तो हेलो मेरे यूट्यूब टिंडे ले लो, कोई नहीं। तो हेलो मेरे यूट्यूब टमाटर ले लो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो हेलो मेरे यूट्यूब गोभी ले लो। एक काम कर, तू बेच ले पहले। नहीं छोड़, वीडियो गया भाड़ में, चल छोड़, तू पहले बेच ले। हाँ हाँ बेच ले। तो हेलो मेरे यूट्यूब की फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। मेरा नाम है जो आप देख रहे हैं ऑटो एक्स पी टू जल। तो दोस्तों आ चुका हूँ आप लोगों के पास नया वीडियो लेके। तो नया वीडियो बताने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरे जो भी गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया, आज से 13 दिन बाद उसका अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ। तो अभी तक अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो की, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें। अगर आप जाके उसमें पार्टिसिपेट करिएगा तो मुझे काफ़ी खुशी होगा। तो पार्टिसिपेट करने का जो भी तरीका है वो आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं भी बता दे रहा हूँ। तो उसमें आपको करना क्या है कि आपको जाके वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को दबा देना है। और कमेंट में क्या करना है दोस्तों कि कमेंट में ये कर दीजिएगा जो भी आपको पसंद आए कि आपको वो क्यों चाहिए और आप उसको किस गाड़ी में लगाने वाले हैं, या फिर जो भी आपको समझ में आए वो कमेंट कर दीजिएगा। और जो दोस्तों आप शेयर में क्या कीजिएगा, दो ग्रुप या फिर दो पर्सन के पास शेयर कर दीजिएगा, तो उसी आधार पर मैं जो भी कमेंट है उसको पिक करूँगा और विनर का अनाउंसमेंट करूँगा। तो दोस्तों आ चुका आप लोग के पास नया वीडियो लेके। तो नया वीडियो जो रहने वाला है दोस्तों पल्सर NS200 FI मॉडल जो BS6 में लॉन्च होने वाला है उसके ऊपर रहने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपसे डिस्कशन करूंगा कि पल्सर NS जो 200 आने वाला है FI मॉडल वो कब आने वाला है, और इसके इंजन परफॉर्मेंस में क्या क्या थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, और जो इसमें एक दो एक्स्ट्रा फीचर आ रहा है, क्या कौन सा फीचर आ रहा है, उस चीज़ के ऊपर आज डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आ जाएगा 199.5 cc सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन 4 वाल्व के साथ। 4 वाल्व रहने वाला है दोस्तों आपका, दो इंटेक के लिए और दो एग्जॉस्ट के लिए। इससे आपका जो भी हाई रेविंग होगा जब गाड़ी में, जब आप रेव करेंगे गाड़ी को, तो जो पावर डिलीवरी है वो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और जो इंटेक दो है और दो एग्जॉस्ट के लिए है तो वो आपके इंजन पे मतलब स्मूथ वर्क करने पे उस हेल्प करेगा वो। तो दोस्तों जो इसमें रहने वाला है आपका इंजन थोड़ा बहुत चेंज हुआ है इसका, तो इंजन के चेंजेस के ऊपर बात करते हैं। तो जो दोस्तों जो BS4 आता था, BS4 में आपका 23.5 HP 9500 RPM पे मिलता था, और जो दोस्तों 18.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिल जाता था 8000 RPM पे। लेकिन जो दोस्तों BS6 के नॉर्म्स के हिसाब से होने के बावजूद भी इंजन के परफॉर्मेंस में काफ़ी मतलब 1-2 HP बढ़ाया ही गया है। मैंने 2-3 कंपनियों में देखा है, नाम नहीं लूँगा, उस कंपनियों में दिक्कत यह है कि वो BS6 के नॉर्म्स के हिसाब से इंजन के परफॉर्मेंस को काफ़ी डाउन कर दिए हैं। थोड़ा बहुत उनका इंजन पहले जितना HP से था उस 1-2 HP कम ही हो गया, लेकिन जो पल्सर है और जो बजाज है ये दोस्तों इसमें कोई कमी नहीं लाने दिया है। कमी क्या, इस उल्टा इसमें बढ़ा दिया है। तो जो BS6 आएगा इसमें आपका आ जाएगा 24.5 HP का पावर आपको 9750 RPM पे मिल जाएगा, और जो दोस्तों 18.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको 8000 RPM पे मिल जाएगा। तो ये जो दोस्तों चेंजेस है इंजन में, थोड़ा बहुत जो चेंजेस है वो काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा गाड़ी का, जो HP बढ़ा दिया है और न्यूटन मीटर टॉर्क 0.3 टॉर्क भी बढ़ा दिया है। तो ये मुझे पर्सनली अच्छा लगा इसके ऊपर कि BS6 के नॉर्म्स के हिसाब से बनने के बावजूद भी इंजन का परफॉर्मेंस डाउन नहीं हुआ है। तो ये जो इसका पॉजिटिव एक चीज़ मान सकते हैं आप लोग। बात करते हैं दोस्तों इसके कलर के ऊपर। तो इसमें कलर आपको एक दो एक्स्ट्रा ग्राफिक्स के साथ भी आपको, जो भी अभी तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ग्राफिक्स में भी चेंज होगा। और जो नियो ब्लैक, नियो रेड, नियो ब्लू और नियो येलो कलर का जो कलर आने वाला है वो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, लेकिन वो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों बात करते हैं इसके लॉन्चिंग डेट के ऊपर। तो लॉन्चिंग डेट होने वाला है दोस्तों 1 अप्रैल 2020 में, उम्मीद है कि लॉन्च हो जाएगा ये। दोस्तों बात करते हैं इसके चेंजेस के ऊपर। तो चेंजेस में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है इसके इंजन में, जो भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। और जो दोस्तों इसका माइलेज के ऊपर बात किया जाए तो माइलेज 15-20% बढ़ ही के आएगा, लेकिन अभी का जो माइलेज है दोस्तों 36.1 किलोमीटर पर लीटर का जो माइलेज अभी निकालता है, लेकिन ये कंपनी द्वारा टेस्टेड होता है। इसमें थोड़ा 1-2 किलोमीटर आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसा राइड करते हैं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो फ्यूल इकोनॉमी का कोई बात करने का कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, क्योंकि दोस्तों जो पल्सर NS200 है वो जो भी चलाएगा, मैं जानता ही हूँ कैसे एग्रेसिव राइड होता है वो सब, तो उसके ऊपर तो डिस्कशन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो दोस्तों इसका जो फ्यूल टैंक है वो आपका आ जाएगा 12 लीटर का, और जो इसमें का आ जाएगा आपका 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इसका जो भी गियर बॉक्स आ जाएगा।
तो बात करते हैं दोस्तों FI मॉडल के बारे में। FI का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्यूल इंजेक्टेड। अभी तक ये जो गाड़ी आता था वो कार्बोरेटेड वर्जन में आता था, लेकिन अब आने वाला है आपका FI मॉडल में। तो जो फ्यूल इंजेक्टेड बाइक होता है इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका जो भी पेट्रोल है हर एक ड्रॉप का प्रॉपर इस्तेमाल होता है। जैसे कार्बोरेटर वर्जन में क्या होता है इसो कि आप कार्बोरेटर को ट्यून करा सकते हैं, या फिर प्रॉपर अगर ट्यून नहीं हुआ तो एयर और फ्यूल का जो मिश्रण है वो ऊपर नीचे होने के कारण आपके गाड़ी का माइलेज पर असर पड़ता है, परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। लेकिन जो दोस्तों जो फ्यूल इंजेक्टेड होता है बाइक, उसमें इशू ये कोई नहीं होता है, क्योंकि वो सबसे पहले तो आप ट्यून कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसा बनाया जाता है, वो ECU के द्वारा आपके आपका कंट्रोल होता है। यदि आपके फ्यूल सेंसर को ऐसा लग रहा है कि फ्यूल की ज़्यादा ज़रूरत है, इंजन में अभी पावर की ज़रूरत है, तो वो अपने हिसाब से उसमें फ्यूल इंजेक्ट करता है, उसमें आपका कोई भी हाथ नहीं रहता है, या फिर उसको आप ट्यून नहीं कर सकते। तो ये चीज़ होता है दोस्तों कि इसमें आपका माइलेज थोड़ा सा बढ़ के आता है, तो ये एक बढ़िया बात होने वाला है। तो बात की जाए दोस्तों इसके टायर के ऊपर, तो फ्रंट वाला जो रहने वाला है 180-17 का रहने वाला है, और जो रियर वाला है 130-70-17 का रहने वाला है, जो कि पीछे का टायर थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होगा, जो कि आपके गाड़ी को पीछे से मस्कुलर लुक देगा और कॉर्नरिंग में आपके गाड़ी को स्टेबल रखेगा। और जो दोस्तों इसमें जो ABS है, सिंगल चैनल ABS कंपलसरी है, हर एक मॉडल में आपको ABS फीचर मिल जाएगा आपका, सिंगल चैनल ABS। और जो दोस्तों इसका जो बैटरी आने वाला है MF मतलब होता है मेंटेनेंस फ्री, उसमें आपको पानी उन्हें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, इसका जो प्राइस क्या रहने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें एक्स शोरूम दिल्ली के हिसाब से 125,000 होने वाला है। तो मैं आपसे सब हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि जो भी आपका जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसके ऊपर आपका डिपेंड करता है आपका प्राइस कितना ऊपर नीचे होने वाला है। तो और इसमें जो भी प्राइस में चेंजेस हुआ है वो 10,000 से लेके 11,000 के बीच में बढ़ाया गया है इसका प्राइस को। तो मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा कोई प्राइस में कुछ बढ़ा नहीं है। और जो दोस्तों आपको बता ही दिया है मैंने कि आपके जो भी आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो भी ऑन रोड प्राइस क्या रहने वाला है, आपके RTO क्या चार्जेस पे करता है, मतलब आपने RTO को क्या चार्जेस पे किया, रोड टैक्स के ऊपर क्या होने वाला है, तो ये आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि उसमें आपका जो भी गिव अवे का इन्फॉर्मेशन है वो आपको उसमें मिल जाएगा आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।